हमारा चेहरा ही वैसा आ रहा है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है अमन्स ब्लॉग। उसके बाद आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जेएन कॉलेज पासीघाट जहां मैं पढ़ाई करती थी। तो आज हम लास्ट सबमिट करने हैं। वाला पोस्ट आएगा। ये है सुम्बी और ये है नीता राय। ये मेरी दो फ्रेंड, सेशन हो रहा है दोनों का। तैयार है, फोटोग्राफर वाला बता दो मॉडलर कैसा मिला है। इट्स क्वाइट टफ, सिखाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, मेरे जो टॉप पीछे वाली सुन भी जामो। ये जो है फोटोग्राफर अनीता राय, जिससे आप फर्स्ट ब्लॉग पे मिल चुकी हो रिपब्लिक वाले में। मैजिक है ना, नहीं बोलोगी? बोलने के लिए नहीं है। चलो हाय कर दो। बता दूं कि ये जो जेएन कॉलेज पासीघाट है, ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे फर्स्ट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज। अरुणाचल में जो फर्स्ट कॉलेज है वो जेएन कॉलेज पासीघाट है। तो कि ये जो जेएन कॉलेज पासीघाट है, जेएनसी, ये जो फुल नेम है वो है जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, ये अरुणाचल का फर्स्ट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज। यहाँ बहुत सारे जंगल थे जो कि कट हो चुका है अभी फ़िलहाल। शायद कुछ बनेगा होगा यहाँ। क्लिक करने के लिए हम लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, मनरा रहे हैं चलते चलते। एक बोर हो चुका है तो वो छाया ढूंढते हुए वहाँ बैठ गया है, और एक अपना फोटोस कंटिन्यू कर रहा है। वो देखिए मिस राय क्या शॉट है। फोटोग्राफर फिलहाल मैं हूँ फोटोग्राफर। पहले यहाँ का रास्ता नहीं बना था, इस बार तो रास्ता भी बन गया है। आप लोग आ सकते हैं क्लास 12 पास करने के बाद, यहाँ अपना डिग्री ले सकते हैं यहाँ से। यहाँ एमए आपको हिंदी, हिस्ट्री, उसके बाद इंग्लिश का मिल जाएगा। गाइस वो जो ब्लू कलर का बिल्डिंग है वो है बीए, वहाँ बीए क्लास होता है, वहाँ फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर सब पढ़ते हैं। और ये जो
येलो बिल्डिंग है यहाँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। गाइस ये जो जैन कॉलेज पासीघाट है यहाँ बहुत क्लासेस है और जो मेजर लेते हैं उनके डिपार्टमेंट अलग से है यहाँ, जैसे इंग्लिश, हिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स जो भी है सबके अलग अलग है। एक्चुअली गाइस मैं आई थी यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ अपना पेपर सबमिट करने, तो मैं सोची कि आप लोगों को दिखा दूँ जैन कॉलेज पासीघाट। गाइस ये वही सीढ़ी है जहाँ से हम आकर कॉलेज आकर क्लास अटेंड करते थे, और यहाँ से व्यूज़ बहुत सुंदर है। देखिए व्यूज देखिए, यहाँ बहुत सुंदर है। टू हंड्रेड फिफ्टी स्टेप उठकर हम कॉलेज जाते थे, सोचिए क्या हाल होता था हम लोगों का। उतर चुके हैं हम, अब पैदल ही पैदल चल जाने पर ये सब मिलेगा। दिल्ली धूली ही धूली मिलेगा। और गाइस ये जो बिल्डिंग है ये है इग्नू ऑफिस, यहाँ आप लोग एमए कर सकते हैं डिस्टेंस से, यहाँ आकर पोस्टाज कर सकते हैं। शाम के 3 बजे ये खुलता है। और इसके पीछे जो बिल्डिंग है वो डिपार्टमेंट ऑफ बीकॉम था, पर अभी इस बार शायद ऊपर कैंपस में है ये जो। बस इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो देखकर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, टिल देन बाय बाय।